हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सामने आप जो गांव देख रहे हैं ये फोजल गांव। मैं जा रहा हूँ डमचीन में, जो कि यहीं से एक रास्ता है, रोड है, क्योंकि वहां पर हो बाबा वीरनाथ जी का जो मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है, और ये है ज्वाला माता जी का मूल स्थान। और जाते जाते बीच में एक नाला मिला, बहुत ही सुंदर नाला, और ग्रीनरी हर जगह है, प्रकृति ने अपना खूब रंग बिखेरा है, बहुत ही सुंदर जगह है। और जो सामने आप ये गांव देख रहे हैं इसको बोलते हैं डमचीन। ये है डमचीन गांव, और ये यहां पर मैं आज जा रहा हूं, यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है नए मंदिर की, और यहां पर है नेरी, यहां पर मैं रुकूंगा और यहां से मैं पैदल चलूंगा दूसरी साइड को डमचीन गांव को, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए चलते हैं। तो जाते जाते जब दूसरी साइड को आप जाएंगे एक नाला आएगा, और सच बताऊँ ये नाला बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और जो इसकी आवाज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इसका बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। वीडियो में शायद आपको उतना पता ना लगे हो, क्यों, पर अगर आप सामने आके देखेंगे तो थोड़ा सा डर आपको ज़रूर लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये है मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। सच बोलूँ तो नक्काशी बहुत सुंदर की गई है, और बहुत सुंदर मंदिर है वही बाबा वीरनाथ जी का। और ये है देवी देवताओं के निशान, बहुत ही सुंदर चिड़िया आप देख सकते हैं चांदी की, बहुत ही सुंदर देवी देवताओं के निशान है, छड़ियाँ हैं, और सामने आप देख सकते हैं देवी देवता विराजमान है, बहुत सारे देवी देवता, नारायण जी हो गए, ज्वाला माता जी हो गई, मैया का देवता हो गया, शैला देवता हो गया, और हुरंग नारायण जी हो गए, और जो बाबा वीरनाथ जी हो गए, और देव गौरी जी हो गए ढालपुर से, और देख सकते हैं 8-9 देवी देवता है, बहुत ही सुंदर देवी देवता बैठे हैं यहाँ पर, और दर्शन करने का मज़ा आएगा, पर दर्शन करना इतना आसान नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और तब भी हम दर्शन करेंगे यार, क्यों इतनी दूर से आए हैं तो दर्शन तो ज़रूर करेंगे, शेष ज़रूर लेंगे। तो मैंने शेष वगैरह ले लिया है, पर अब थोड़ी भीड़ यहाँ पर थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि वक्त हो चुका है 1-2 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शैला देवता जी, गौरी देवता जी, बहुत सारे देवी देवता, नारायण जी हो गए, मैया का देवता जी हो गए, बहुत सारे देवी देवता आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल ज्वाला माता जी बीचों बीच बैठी हुई हैं, और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं, आनंद आ गया यार। तो चलिए अब अंदर जाते हैं मंदिर की तरह, अंदर को जो नया मंदिर बना है, अब अंदर आपको दर्शन करते हैं। यहाँ देखिए अंदर जो कलाकृतियाँ की गई है, नक्काशियाँ की गई है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की गई है, बहुत ही सुंदर की गई है, और मंदिर बहुत ही, सच बोलो तो बहुत सुंदर लग रहा है यार अंदर से। और अंदर आप देख सकते हैं भोले बाबा नंदी महाराज जी के साथ विराजमान हैं, और लकड़ी में बिल्कुल अच्छी नक्काशी की गई है। तो दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू हो चुका है कीर्तन भजन,
तो ये है मंदिर के सामने का व्यू, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, हरियाली है बहुत ज़्यादा और खुला जगह है बहुत ज़्यादा। और देवता का स्थान, ऐसे भी देवी देवता का स्थान तो बहुत ही सुंदर जगह पे होते हैं, अगर नहीं भी हुए तो देवता जहाँ होते हैं वही सुंदर जगह होती है। तो ये थी जानकारी। तो ये है मंदिर, पहले जो मंदिर था कुछ ऐसा था बाबा वैद्यनाथ जी का, और अब कुछ ऐसा बन चुका है। पहले भी सुंदर था, अब भी सुंदर है, बस थोड़ा क्योंकि जो पुराना मंदिर है थोड़ा लकड़ियाँ उसकी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी। ये है नेहरी जगह, यहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी अपना वाहन लगाया है, अब चलते हैं वहाँ पर सीधे। तो ये थी वीडियो प्राण प्रतिष्ठा की, आपने देखा बाबा वैद्यनाथ जी के प्राण प्रतिष्ठा की, और आपने की 8-9 देवी देवताओं का दर्शन किया आपने। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो में, टकोली मेले की वीडियो अगली पड़ेगी, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। जय बाबा वैद्यनाथ।